बना दे। ऐसी विस्तृत हो जाए तो फिर क्या होता है? ये उनका अगला शेर है, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, सांप नहीं मर जाना है, जेड़े अपने पीर दे दर दा कुत्ता बन जाओ तर जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराबरी नहीं, रख रखाव नहीं, मैं ऐसे हूँ मैं वैसे, कुछ भी नहीं। अल्लाह हजरत वो हस्तियां हजरत सबको पूछ लो, सुन्नियों के सबसे बड़ा आलम वो है, सबसे बड़ा जिसे फहमे दीन है, उसकी जिंदगी का निचोड़ है कि बनना ही फिर पीटते दर्द का कुत्ता बनता है। फिर वो करता क्या है? एक तो वली से मिलाता है, सगे दरे मीरा शौ वो वास्ते दर्द का कुत्ता बन जा की बनेगा, चुखाही कुरब रबानी जे रब को जाना चाहना तो इंज कर। अल्लाह ताला वो नेमत हमें मुयस्सर है, सिर्फ झुकने की बात है, देने में कमी नहीं लेने में कमी है। या अल्लाह वो कमी हमसे दूर कर दे और हमें औलिया अल्लाह से अदब के साथ लेने की तौफीक। बादब बारसी बेदसी, बराबरी नहीं कभी भी नहीं, जहां तेरी मेरी सोच खत्म होती है। वली का मकाम तो वहां से शुरू होता है और स्थाई दर्जे से फिर हुजूर करीम की शान आती है, तो फिर हमारा उनसे बराबरी नहीं है। अदब है, जितना कर लो उतना ले लो। जिम्मेदार भी बैठे हैं भाई, चौधरी साहब अपना खाड़ा अपने खेतों नीवा कर ले, पानी टूट के दूजिया का भी पै जाए, जो उच्चा कर ले तो अगला भी निकल जाए। फिर बाद नसीब पे कुत्ता बनना पड़ेगा और निस्बत हजरत साहब से दसे पे कुत्ते ने निस्बत करिए कि हजरत साहब क्यों करिए, और बिल्ली बनाइए और की हो सकता, या उनके वर्गे बन जाए या उसको नीवे बन जाए। अल्लाह ताला उस कुत्ते से भी नीवे बनने की तौफीक। अब कहीं ये कहाँ कहाँ की तालीम दे रहे हैं अल्लाह हजरत की, दे रहे असाब काफ के दर पे कौन बैठा पर क्या मिला उसे, बंदे की शक्ल में जन्नत जा रहा है। तो हम बंदे हो के अदब कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उस कुत्ते के साथ होंगे, उसका जिक्र करने से भी बख्शिश होती है। और सलाम पढ़ते हैं हजरत साहब दुआ।